तो हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट है जिसकी ब्लैंक हमने लास्ट क्लासेस के अंदर में सीखा कि पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट का क्या क्या फीचर्स है। इसमें हम फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेटिंग, नोट्स, एस्पेक्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट के बारे में जाना। साथ में हमने जाना ऑपरेशंस कि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई का क्या इस्तेमाल करते अब हम बात कर रहे हैं स्किप ब्लैंक की। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, एक सेल्स का एक कॉलम ए में है और बी के अंदर में कहीं कहीं पे ब्लैंक है और कहीं कहीं पे नंबर्स है। अब इसकी स्टोरी को समझिए। क्या हुआ कि मेरे पास जो सेल्स हुए है ना, सेल्स के जी कुछ फिगर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ मटेरियल रिटर्न भी हो गया है। तो हम इसके ऊपर इंसेंटिव या कमीशन लॉन्च करने वाले हैं। तो हमें ये चीज चेक करना है कि भाई रियल में कितनी क्वांटिटी है। तो हमारे क्यूसी टीम ने बगल वाले कॉलम में उन्होंने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इनको अपडेट करना है। मतलब कि क्या, मान लीजिए ये 45 है, तो 50 के जगह पे हमारा 45 आना चाहिए, 90 के जगह पे यहाँ 60 आना चाहिए और 88 के जगह पे 45 आना चाहिए, इस तरह से। तो अब क्या है कि मेरे पास हजारों इस तरह की अपडेट्स है, तो मैनुअल करने में काफी टाइम लगता है। और ये तरीके और भी है, लेकिन एक सिंपल तरीका है पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक। जैसे हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा ना, लेकिन हम ब्लैंक पेस्ट ना कर पेस्ट स्पेशल के अंदर में करेंगे स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक पे जब क्लिक करके हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ नंबर ही पेस्ट हुआ, बाकी डेटा बिल्कुल पेस्ट नहीं हुआ। ओके सर, अमित जी समझ में आया? जी सर। अब इसमें एक और फीचर आती है, वो आता है हमारा ट्रांसपोज। कि मेरे पास मंथ है और मैं यहाँ पे सेल्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं जैन फेब मार्च ले लेता हूँ। मतलब मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट है और मुझे इसको टॉप टू बॉटम लाना है, कि इसको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। इस काम के लिए भी हम राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का यूज कर ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज हो गया। ओके, अब यही इसी चीज को मुझे लिंक करना हो तो कैसे करेंगे? तो लिंक करने के लिए जनरली हम इक्वल प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा डेटा लिंक हो जाएगा। समझ गए? डेटा जी हमारा लिंक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में भी आपके सामने पेस्ट एज ए लिंक है। पेस्ट एज ए लिंक करने पे क्या होगा, ये लिंक हो जाता है। अब मैं यहाँ जो भी वैल्यू चेंज करूँ, मैंने 80 किया तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके 80 हो जाएगा। तो हमने इसको सेम सीट पे किया, आप इसको दूसरे सीट पे, दूसरे फाइल पे कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है। अब हम सर, बात करते हैं दोनों में पे अंतर क्या है सर? क्या हम इक्वल टू करके भी तो वो कर इक्वल, सकते हैं। दोनों कोई अंतर नहीं है। बस इक्वल टू में क्या होता है कि एक सेल को करके फिर ड्रैग करना होता है। अब ड्रैग तभी करेंगे जब आपका कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसको चाहिए, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए, आप इसको कॉपी कीजिए, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और आप यहां कर देंगे पेस्ट एज ए लिंक। उतना ही पार्ट हुआ ना सर? जी सर, लेकिन लिंक हम जब इक्वल करके सिलेक्ट करके ड्रैग कर दे तो फिर बाद में मुझे डिलीट करना पड़ता ना, जी या मैनुअली एक एक करना पड़ता। बट यहां तो जी दिक्कत नहीं है ना, समझे? अब जी सर, इसको कॉपी करके हम मान लीजिए मैं इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जब पेस्ट के अंदर आते हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखता है पेस्ट एज ए पिक्चर। पेस्ट एज ए पिक्चर ये क्या करता है कि आपकी कॉपी की गई एरिया को एक तरह से
पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा यूज कर सकते हैं। डैशबोर्ड मीन्स का यूज हम लोग करते हैं अच्छा से, राइट, इसको आराम से इसको मूव करते रोटेट कर सकते हैं, लेकिन डेटा से आपका आपके जो मैनुअल डेटा है उससे लिंक नहीं होगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, अगर 85 पर जगह पे मैं 90 करता हूँ, तो आपके पिक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं है। आप चाहते हैं कि पिक्चर भी हो और साथ में लिंक भी हो, तो कॉपी करें और यहीं पे पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है, पेस्ट एज ए लिंक पे क्लिक करें और देखें आपका ये लिंक हो गया। और इसको अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं, और जैसे हम डेटा चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 100 कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं, आपको यहाँ दिख रहा है 100, दिख रहा है 100, ठीक है सर जी, सर 100 दिख गया ना जी। और इसको जरूरी नहीं कि सेम फाइल पे, सेम सीट पे, सेम अलग अलग फाइल पे भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको एमएस वर्ड वगैरह पे भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको कॉपी करते हैं और चले जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, या फिर आउटलुक के अंदर हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड की हम बात करते हैं, एमएस वर्ड में यहां हम करते हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहां हम पेस्ट एज ए लिंक, और ये दिख रहा होगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, लिंक अलग अलग है, आप जो लिंक करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोड ऑब्जेक्ट कर दिया, देखिए लिंक हो गया। अब मैं इसको अगर एक्सेल में कोई चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने इसका कलर ही चेंज कर दिया, ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया वर्ड में। ऐसे आप पीपीटी पे, ऐसे आप बाकी चीजों पे भी कर सकते हैं, राइट। तो पेज से पिक्चर लिंक समझ में आ गया जी सर। अमित जी जी सर, अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट हम कई सारे जगहों में करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेट होता है। यहाँ पे अगर इसको कॉपी करके मान लीजिए कि हमने पेज से पिक्चर लिंक कर दिया, अब कल के डेट में मई के बाद यहाँ पे जून का भी सेल आ गया, तो क्या अब पिक्चर में तो आया नहीं, क्या मुझे दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 12 दिख रहा है ना, नंबर 7 से 12 दिख रहा है, इस 12 को मैंने 13 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखेंगे कि आपका 13 आ गया 13 जी जी क्लियर है जी। तो इस तरह का इस्तेमाल हम करते हैं, और भी इस्तेमाल है इसके, इसके इस्तेमाल के लिए हम आपको